Good evening, students. I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila Koyle Chai Basa. Today we will read paper Programming in C of BCA first semester. And today we will discuss topic Structure. And today this is eighth lecture. Okay. Structure. ए स्ट्रक्चर इज़ ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी देखिए ये जो पेपर uh, में जो स्ट्रक्चर uh, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया ये स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सी में देखिए आप लोग जो डेटा टाइप यूज करते हैं जिस बेसिकली जो आप फंडामेंटल डेटा टाइप यूज करते हैं जैसे इंट हो गया फ्लोट है कैरेक्टर है तो वो तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है ठीक है बट अगर हम लोग खुद से अगर यूजर डिफाइंड अगर डेटा टाइप क्रिएट करना चाहें तो स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है एक सी uh, में डेटा टाइप यूजर डिफाइन मतलब यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा uh, टाइप है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं ए स्ट्रक्चर क्रिएट्स ए डेटा टाइप दैट कैन बी यूज टू ग्रुप आइटम्स ऑफ पॉसिबिलिटी पॉसिबली डिफरेंट टाइप्स इन टू ए सिंगल टाइप मतलब जब भी आप अगर मान लीजिए कि अलग अलग टाइप के अगर आप आइटम्स uh, आप रखना चाहते हैं ठीक है एक टाइप में मतलब एक डेटा टाइप में तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करके आप स्टोर करके रख सकते हैं स्ट्रक्ट की वर्ड इज़ यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर अब आप जब स्ट्रक्चर क्रिएट कर करते हैं तो आपको क्या की वर्ड यूज करना होगा स्ट्रक्ट एस टी आर यू सी टी एरेज अलाउ टू डिफाइन टाइप ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन होल्ड सेवरल डेटा आइटम्स ऑफ द सेम काइंड एरेज क्या करता है अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स में हम लोग अलग अलग आइटम्स एक ही टाइप के सेम काइंड का जो आइटम्स हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं उसमें सिमिलरली स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज़ टू कम्बाइंड डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंडस उसी तरह से स्ट्रक्चर जो है एक दूसरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो सी में अवेलेबल हम लोग इसको क्रिएट बना सकते हैं और इसमें अलग अलग टाइप के आइटम्स को एक साथ हम लोग रख सकते हैं स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड और स्ट्रक्चर्स का एक्चुअली यूज़ हम लोग किसी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कर सकते हैं देखिए एग्जाम्पल नीचे आप शो कर रहे हैं स्ट्रक्ट की वर्ड हमने लिखा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नाम हो गया अब देखिए उसमें तीन अलग अलग टाइप का डेटा हम लोग ले रहे हैं जैसे इंटीजर है तो आई डी वेरिएबल हो गया नेम एक वेरिएबल लिए जिसमें हम लोगों ने अरे का साइज डिक्लेयर किया ट्वेंटी और ये टाइप इसका क्या है कैर कैर मतलब कैरेक्टर सैलरी फ्लोट डेटा टाइप का लिया तीन अलग डेटा टाइप हम लोगों ने लिया और उसमें एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सब स्टोर कर दिया और याद रखना है, है कि स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो लास्ट में जब क्लोजिंग ब्रैकेट करेंगे तो सेमी कॉलोन जरूर देंगे तभी जाके यह स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्रिएट होगा अब नीचे देखिए डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कैसे ये मेमोरी में एलोकेट करता है किस तरह से ये स्टोर करता है देखिए नीचे फॉलोइंग इमेज सोज द मेमोरी लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय दैट इज डिफाइंड इन द एग्जाम्पल जैसे नीचे देखिए वन थाउजेंड जैसे देखिए अलग वन थाउजेंड फिर वन थाउजेंड फोर तो नीचे देखिए लिखा हमने इंट आईडी तो नीचे के एग्जाम्पल के थ्रू हमने वहाँ शो कर रहा है कि स्ट्रक्ट जो है इम्प्लॉयी स्ट्रक्चर का नाम इम्प्लॉई हो गया तीन अलग अलग डेटा टाइप हम लोगों ने लिया आई तो आई डी चूँकि वन बॉक्स जो है एक बाइट ऑक्यूपाई करता है आ, मेमोरी में स्टोर तो उस तरह से देखिए चूँकि इंटीजर का कितना होता है देखिए अलग मैंने लिखा भी है कि फोर बाइट ठीक है तो इस तरह से फोर ब्लॉक देखिए वो वहां ऑकोपाई कर लिया तो वन थाउजेंड से अगर मेमोरी एड्रेस स्टार्ट होगा तो फोर बाइट मतलब वन थाउजेंड फोर तो देखिए उतना वो स्पेस वो ऑकुपाई कर लिया फिर देखिए कैरेक्टर नेम में तो चूंकि वहाँ कैरेक्टर में वन बाइट लेता है और हमने वहां पर कैरेक्टर नेम का एरे का साइज कितना डिक्लेयर किया टेन तो इस से देखिए टेन ब्लॉक वो ऑकुपाई कर लिया तो वन से लेकर वन तक टोटल टेन मेमोरी स्पेस उसने ऑकुपाई किया फिर फ्लोट फ्लोट भी फोर देखिए वो उसका बाइट जो स्पेस होता है तो वन थाउजेंड फोर्टीन से वन थाउजेंड एटीन तक इस तरह से ये अलग अलग मेमोरी में ये एलोकेशन करेगा जब हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे नीचे देखिए अलग से मैंने लिखा भी है अब देखिए साइज़ ऑफ अगर आप ई जो ई हम वेरिएबल नीचे गौर कीजिए जो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय हमने बनाया उसमें नीचे देखिए ई एक वेरिएबल हम लोगों ने लिया तो ई वेरिएबल यहाँ पर देखिए कैलकुलेट करके मैंने दिखाया कि फोर प्लस टेन प्लस फोर मीन्स इंडीजर का फोर बाइट लिया टेन हो गया करेक्टर का मैंने लिया और फोर फ्लोट का टोटल कितना हमने ऑकुपाई किया एटीन बाइट्स और नीचे देखिए सबका अलग अलग मैंने बाइट के जो मेमोरी में साइज जो एलोकेट करता है तो वो अलग से मैंने वहाँ पर शो भी किया ठीक है तो इस तरीके से ये मेमोरी एलोकेट हम लोगों ने देखा कि स्ट्रक्चर एम्प्लॉय को कैसे उसमें जो भी वेरिएबल्स हमने लोगों लिया कैसे स्टोर किया ठीक है हियर स्ट्रक्ट इज द की वर्ड अब देखिए जो स्ट्रक्ट की वर्ड है वो स्ट्रक्चर उसी के थ्रू क्रिएट करते हैं हम लोग इम्प्लॉयी इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर आई डी नेम एंड सैलरी आर द मेम्बर्स ऑफ आर फील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर अलग अलग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ठीक है अब नीचे देखिए डायग्राम से फिर एक बार समझ लें स्ट्रक्ट जो है कीवर्ड है इम्प्लॉय क्या है वो स्ट्रक्चर का टैग है वो टैग मींस नेम हो गया फिर नीचे देखिए आई डी नेम सैलरी जो अलग अलग डेटा टाइप ना लिया वो सब मेंबर्स और फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मेंबर्स भी बोल सकते, सकते हैं या फील्ड भी बोल सकते हैं ठीक है तो ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा ये स्ट्रक्चर को डिफाइनिंग डिफाइनिंग स्ट्रक्चर टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल जो स्ट्रक्चर में वेरिएबल हम लोगों ने ले रहा है उसमें उसमें कैसे डिक्लेयर करेंगे उसको देखिए वी कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल फॉर द स्ट्रक्चर सो दैट वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर ईजिली ठीक है देर आर टू वेज टू डिक्लेयर स्ट्रक्चर वेरिएबल दो तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं पहला बाई स्ट्रक्ट की वर्ड विद इन मेन फंक्शन ठीक है मेन फंक्शन के अंदर ही स्ट्रक्ट की वर्ड के थ्रू सेकंड जो है बाई डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे उस वक्त वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हो देखिए पहला वे पहले देखते हैं स्ट्रक्ट की के थ्रू नीचे देखिए फिर एग्जाम्पल वही लिया हमने स्ट्रक्ट इम्प्लॉ आई डी लिया वेरिएबल नेम एक वेरिएबल या सैलरी अलग अलग डेटा टाइप के थ्रू लिया ठीक है समीकरण क्लोज हो गया अब देखिए नाउ राइट गिव इन कोड इन साइड द मेन फंक्शन अब देखिए मेन फंक्शन में इसको कोड को लिखना है स्ट्रक्ट इम्प्लॉय स्ट्रक्ट तो की वर्ड इम्प्लॉय जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर का नाम लिया और वेरिएबल उसका हम लोगों ने यूज किया ई वन ई टू ई वन और ई टू जो वेरिएबल लिया <coughs> इसको हम लोग स्ट्रक्चर में वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो ये पहला वे हो गया सेकेंड वे जो है देखिए इसमें एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं फिर ताकि एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर हम लोग देख पाए अब देखिए स्ट्रक्चर यहाँ भी इम्प्लॉई सेम वही इंट आई डी कैर नेम फ्लोट सैलरी दो वेरिएबल देखिए यहाँ भी हमने लिया ई वन और ई टू अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर कि इफ नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स अगर आपका वेरिएबल फिक्स नहीं है तो उसके लिए आप पाला अप्रोच जो इसके पहले जो भी हम लोगों ने देखा उसको यूज कीजिए इट प्रोवाइड्स विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर वेरिएबल मेनी टाइम्स उसमें क्या बेनिफिट होगा कि आप कई बार स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं ठीक है पाला अप्रोच में सेकेंड अगर अप्रोच में देखिए क्या है कि इफ़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर फिक्सड अगर आपके यहाँ वेरिएबल फिक्स है तो सेकेंड अप्रोच यूज कीजिए इससे क्या होगा कि हमारा जो इट्स सेव और कोड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन मेन फंक्शन ये मेन फंक्शन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने में कोडिंग में सेव करता है तो ये दो अलग अलग हम लोगों ने वे पढ़ा जिसको डिक्लेयर हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल को करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है पढ़ना है एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर अब जो स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हम लोगों ने देखा जो फील्ड जो है उसको कैसे एक्सेस करेंगे टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर देखिए ब्रैकेट में हमने पैरसोसिस में लिखा डॉट एक्चुअली ये ऑपरेटर है डॉट जो ऑपरेटर देख रहे हैं आप तो इसके थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर का मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज ए पीरियड बिटवीन द स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम एंड द स्ट्रक्चर मेंबर दैट वी विश टू एक्सेस वी वुड यूज़ द कीवर्ड स्ट्रक टू डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रक्चर टाइप देखिए मेंबर एक्सेस ऑपरेटर जो है ये जनरली वेरिएबल नेम और स्ट्रक्चर मेंबर के बीच में एक्चुअली ये डॉट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं और इसके थ्रू जो भी हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं स्ट्रक्चर मेंबर उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट की यूज करेंगे यहाँ भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए तो देखिए एक, प्रो, एक प्रोग्राम करते हैं स्टीडी आई डॉटेज हेडर फाइल लेते हैं स्ट्रिंग डॉटेज यहाँ पर लेंगे चूँकि यहाँ पर नीचे स्ट्रिंग डेटा टाइप का फंक्शन uh, का यूज़ करेंगे हम लोग इसलिए यहाँ पर हेडर फाइल ले लेते हैं अब देखिए स्ट्रक्ट इम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नाम हम लोगों ने क्या लिया एम्प्लॉय दो वेरिएबल लेते हैं इंट आई डी कैर नेम ठीक है अब नीचे देखिए ई वन तो ईवन हम लोगों ने क्या लिया वेरिएबल किसके लिए स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के लिए जिसमें हम लोग डिक्लेयर यहाँ कर दिया ई वन अब देखिए मेन फंक्शन में हम लोग लो आ जाते हैं अब यहाँ पर देखिए गौर कीजिए फर्स्ट एम्प्लॉय इंफॉमेशन देखिए कॉमेंट्स में लिखा हमने ई वन डॉट आई डी मतलब ई वन जो वेरिएबल था उसमें जो हम लोगों ने मेम्बर लिया था आई डी आप ऊपर देख चुके हैं आई डी और नेम लिया था ना हम लोगों ने तो आई डी में हम लोग यहाँ पर देखिए डॉट के थ्रू यहाँ पर वन जीरो वन जो है वैल्यू uh, यहाँ पर हम लोग इन्यूशलाइज कर रहे हैं ठीक है तो डॉट से क्या हुआ आई में एक्चुअली स्टोर किया वो आई डी भेजा यू में फिर नीचे देखिए एस टी आर सी पी वाई एक फंक्शन है जिसके लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग डॉट एच फाइल लिया था ये एक्चुअली एक कॉपी कर रहा है क्योंकि नेम को कॉपी करेगा एरे में कैरेक्टर में देखिए हमने लिखा राइट साइड में कमेंट्स में कॉपिंग स्ट्रिंग इनटू टू कैर एरे ए वन डॉट नेम तो फिर नेम जो हम लोगों ने वहाँ पर फिल्ड लिया था ठीक है जो वेरिएबल लिया था फिर यू के अंदर में स्टोर होगा और वहाँ हमने अपना नाम लिखा संजय सिन्हा ठीक है अब इसको प्रिंट करेगा ये देखिए प्रिंटअप में एम्प्लॉई वन आई डिस्प्ले करेगा और परसेंटेज डी डिजिट को शो करेगा स्लैशन एक लाइन नीचे ई वन डॉट आई डी चूँकि स्टोर कहाँ हुआ था वो ई वन डॉट आई में तो वन जीरो वन को नीचे देखिए आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया फिर उसी तरह से एम्प्लॉई वन नेम और चूंकि एस मतलब स्ट्रिंग देखेगा ई वन डॉट नेम चूँकि ई वन डॉट नेम स्टोर हुआ था संजय सिन्हा वो डिस्प्ले करेगा इस तरीके से हम लोग डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर मेम्बर को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर अब स्ट्रक्चर में कोई अगर वैल्यू को मेंबर में इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ क्लियर हमने लिखा कि स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशलाइज विद डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन के टाइम हम लोग उसमें कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते हैं नीचे देखिए फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सी प्रोग्राम फेल्स इन कंपाइलेशन अगर इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे इनिशियलाइज करोगे तो वो कंपाइल के टाइम में एरर शो करेगा नीचे देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग स्ट्रक्ट पॉइंट एक स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं पॉइंट और नीचे देखिए डिक्लेयर कर रहे हैं एक्स नाम का एक वेरिएबल लिए एक वाई नाम का वेरिएबल लिए और वहीं पर हम लोगों ने इनिशलाइज कर दिया तो क्या हुआ देखिए कंपाइलर एरर शो कर रहा है और इस तरह से कैनो टू इनिशलाइज मेंबर ईयर इसको हम लोग इनिशिलाइज नहीं कर सकते क्यों देखिए नीचे लिखा हमने द रीज़न फॉर एब एरर इज सिंपल वेन ए डेटा टाइप इज डिक्लेयर्ड नो मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट ध्यान रखिए कि जब आप डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो तो उस वक्त मेमोरी एलोकेट नहीं करता मेमोरी में कोई तरह का एलोकेशन नहीं होता है मेमोरी में कब एलोकेशन होता है ओनली वेन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड जब आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो ठीक है डेटा टाइप डिक्लेयर करने से कुछ वहाँ पर मेमोरी में वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा बट जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वक्त या क्रिएट करते हैं हम लोग उस वक्त मेमोरी एलोकेट करता है स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी इनिशलाइज यूजिंग कर्ली ब्रेसेज और अगर स्ट्रक्चर मेंबर को आप इनशलाइज करना चाहते हैं अगर तो सेम उसी जगह तो करली ब्रेसेज के थ्रू अंदर मैं आपको करना पड़ेगा नीचे देखिए जैसे स्ट्रक पॉइंट नीचे देखिए दो वेरिएबल या इंट एक्स कमाई जिस तरह से हम लोग वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया हम लोगों ने डेटा टाइप में ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ठीक है अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर वेरिएबल लेते हैं उसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं टॉपिक वाइज हमने आपको सिलेबस के थ्रू उसको पढ़ा है तो देखिए वेरिएबल को अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो देखिए कैसे करेंगे तो प्रोग्राम के जरिए हम लोग समझते हैं इसको ठीक है देखिए स्ट्रक्ट एक लिया हम लोगों ने क्लास उसमें हम लोगों ने तीन अलग अलग डेटा टाइप लिया नंबर जो इंटीजर है नेम जो कैरेक्टर है मार्क्स फ्लो, फ्लोट है ठीक है तीन अलग अलग वेरिएबल हम लोगों ने लिया यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट मेन फंक्शन में आ जाइए अब देखिए इंड एक्स एक वेरिएबल ले लिया हम लोगों ने एक्स अलग से अब देखिए स्ट्रक्ट क्लास स्टूडेंट यहाँ देखिए हम लोगों ने वैल्यू डायरेक्ट इनिशलाइज़ कर रहे हैं तो इनिशिलाइज़ करने के लिए हम लोग लास्ट अभी जस्ट पढ़ा ना कि करली uh, ब्रेसेज के अंदर में हम लोग इनिशलाइज़ कर सकते हैं तो देखिए करली ब्रेसेज में हमने स्टूडेंट वन वेरिएबल में तीन अलग अलग वैल्यू इनिशलाइज़ किया एक तो क्लास है पहला वाला उसके बाद आपका सॉरी एक uh, पहले नंबर है फिर नेम है और फिर मार्क्स है फिर जो हम लोगों ने ऊपर में क्लास स्ट्रक्चर क्लास में मेम्बर में हम लोगों ने जो uh, डिफिन जो हम लोगों ने वेरिएबल्स लिया फिर देखिए एक अलग स्टूडेंट टू एक लेते हैं वेरिएबल उसमें हम लोग फिर अलग अलग जी जीरो टू नंबर लिया नेम में बॉबी और मार्क्स में वन सिक्सटी सेवन ठीक है नीचे देखिए एक अलग से फिर स्ट्रक्चर वहाँ पर जो है क्लास स्टूडेंट थ्री वेरिएबल लिया यहाँ पर अब नीचे गौर कीजिए स्टूडेंट थ्री असाइन स्टूडेंट टू मीन्स स्टूडेंट टू का जो वैल्यू को हमने कहाँ इनिशलाइज कर दिया स्टूडेंट थ्री में मतलब अब आपका स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री दोनों सेम हो गया चूँकि स्टूडेंट थ्री में हम लोगों ने कोई भी वैल्यू इनिशिलाइज नहीं किया था तो स्टूडेंट टू वाला वैल्यू को हम लोगों ने कॉपी कर दिया कहाँ स्टूडेंट थ्री में अब नीचे देखिए एक्स इक्वल टू अब उसको चेक कर रहा है स्टूडेंट थ्री डॉट नंबर डॉट का मीन्स आप जान रहे हैं कि स्टूडेंट थ्री के अंदर नंबर हम लोगों ने लिया तो इक्वल चेक कर रहा है कि स्टूडेंट थ्री डॉट नंबर इक्वल स्टूडेंट टू डॉट नंबर एंड एंड मतलब आप जानते हैं कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है दोनों ही कंडीशन को चेक करेगा तो एक तो स्टूडेंट थ्री डॉट नंबर इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट नंबर फिर और स्टूडेंट थ्री डॉट मार्क्स इक्वल टू स्टूडेंट टू डॉट मार्क्स अगर ये दोनों ट्रू है तो देखिए ये टर्नरी ऑपरेटर हमने यूज किया तो वन मतलब ट्रू शो करेगा नहीं तो अदरवाइज फॉल्स मतलब जीरो शो करेगा अब देखिए नीचे कंडीशन डाला है हमने इफ एक्स इक्वल टू वन एक्स इक्वल टू वन मतलब मैच कर गया अगर इक्वल है अगर कंपेयर किया और इक्वल है तो क्या डिस्प्ले करेगा प्रिंटिंग में नीचे देखिए स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री आर सेम ठीक है क्योंकि स्टूडेंट टू का मैंने कॉपी किया तो स्टूडेंट थ्री में अगर दोनों मैच कर गया तो ये डिस्प्ले कर देगा और अगर आ, डिस्प्ले कर गया और तब नीचे क्या डिस्प्ले करेगा देखिए दो बार हमने लिया परसेंटेज डी परसेंटेज एस परसेंटेज एफ एक बार डिजिट एक बार स्ट्रिंग श्ट, और एक बार फ्लोट स्टूडेंट थ्री डॉट नंबर नंबर शो करेगा स्टूडेंट थ्री डॉट नेम नेम शो करेगा और स्टूडेंट थ्री डॉट मार्क्स मार्क्स शो कर देगा एल्स अगर मान लीजिए कि नहीं मैच किया तो उस कंडीशन में नीचे एल्स वाला पार्ट फिर बता देगा कि स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री आर डिफरेंट मतलब नहीं मैच किया अब आप ऊपर में आउटपुट में देख लो वेन द एबर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इट प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट चूँकि यहाँ पर आपको पता है कि स्टूडेंट टू का मैंने कॉपी किया था स्टूडेंट थ्री में और दोनों एकदम एग्जैक्ट एक मैच करेगा ही करेगा तो इसीलिए देखिए वहाँ पर आउटपुट में शो कर रहा है कि स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री आर सेम चूँकि ये मैच किया और फिर जो सेकेंड एफ में स्टेटमेंट में हमने अलग अलग नंबर को डिस्प्ले किया तो देखिए नंबर टू डिस्प्ले कर रहा है चूंकि जीरो जीरो टू है तो पहले वाले जीरो जीरो हटा डायरेक्ट टू को प्रिंट किया फिर सेकेंड में स्टूडेंट टू में क्या था बॉबी तो बॉबी डिस्प्ले किया और उसमें मार्क्स था वन सिक्सटी सेवन तो वो डिस्प्ले किया इस तरीके से स्टूडेंट टू का डिटेल्स और स्टूडेंट थ्री का सेम है और दोनों का डिटेल्स वहाँ पर शो कर दिया तो ये हम लोगों ने प्रोग्राम के जरिए देखा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे कंपेयर करेंगे ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब देखिए एंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स इन सी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, वेयर ईच वेरिएबल कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट डेंटिटीज मतलब जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो उसमें कई सारे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टोर कर सकते हो ठीक है जहाँ पर अलग अलग इंफॉर्मेशन होगा अलग अलग इंटिटीज़ में अलग अलग आप इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करते हो तो उसके लिए क्या है कि कई सारे आपको जो मतलब स्ट्रक्चर का उसके लिए एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा तो देखिए द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी आर यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल इंटीटीज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप जब आप अलग अलग टाइप का डेटा टाइप में अलग अलग इंटिटीज़ का इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हो तो अब आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दो द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कई सारे स्ट्रक्चर हैं कलेक्शन नीचे देखिए डायग्राम में आप समझ लेंगे तो जैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर में देखिए ई एम पी जीरो देखिए एक अलग हमने एरे यहाँ डिक्लेयर किया तो जैसे तीन अलग अलग हम लोगों ने डेटा टाइप लिया इंट आई डी कैर नेम फ्लोट सैलरी अलग अलग देखिए मेमोरी में वो दिखा रहा है कलर वाइज डेटा वहाँ पर एलोकेट किया मेमोरी में जगह नीचे एग्जाम्पल में देख भी लें आप ठीक है कैर नेम फाइव फाइव उसने हमने एरे डिक्लेयर किया अब चूंकि ये अंदर का जो ये साइज़ है वो तो हम लोग वहाँ पर कितना स्पेस लेना है वो उसके लिए बट ध्यान दीजिए नीचे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई एम पी और सबस्क्रिप्टिड टू ये है एरे ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली एम्प्लॉय हम लोगों ने स्ट्रक्चर का नाम बनाया एम्प्लॉय का वेरिएबल किया है ई और ई में टू हम लोगों ने एरेड डिक्लेयर किया इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं अंदर में एक्चुअली जो भी हम लोग अगर मान ली कि आप एरेस्ट अगर यहाँ डिक्लेयर नहीं करते मतलब क्या हुआ सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू यहाँ पर स्टोर सिंगल मतलब किसी भी इंटिटी का वैल्यू यहाँ स्टोर कर सकते हो बट आप जो वेरिएबल में जो हमने यहाँ सब स्क्रिप्ट डाला टू अगर आप फाइव डाल दे तो मतलब फाइव लोगों का फाइव अलग, अलग अलग डेटा को आप वहाँ पर स्टोर कर रहे हो ये हुआ एरे ऑफ स्ट्रक्चर राइट साइड में देखिए हमने यहाँ पर अलग से बता भी दिया साइज ऑफ पी पी जैसे अलग अलग फोर इंटीजर uh, का जो मेमोरी में जगह होता है फिर फाइव हमने करेक्टर नेम फाइव लिया फिर फोर हो गया फ्लोट का टोटल थर्टीन बाइट्स हमने कोपाई किया अब नीचे गौर कीजिए साइज ऑफ ई एम पी टू जब एक एम्प्लॉय के लिए हमने थर्टीन बाइट जब अकुपाई uh, uh, किया तो क्लियर है कि टू एम्प्लॉय के लिए हम जब इन जब डेटा जब स्टोर करेंगे तो स्वाभाविक है कि थर्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स बाइट्स देखिए वहाँ पर स्टोर uh, हम लोग करेंगे तो इस तरह से एरिया ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर समझा अब स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर ठीक है जिसको हम लोग नेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं सी प्रोवाइड्स अज द फीचर ऑफ नेस्टिंग वन स्ट्रक्चर विद इन अनदर स्ट्रक्चर बाय यूजिंग विच कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड मतलब जब आप अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो हालांकि ये एक कंप्लेक्स डेटा टाइप्स क्रिएट होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल वी मे नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन एंटिटी इम्प्लॉय इन स्ट्रक्चर मान लीजिए कि आप किसी एक स्ट्रक्चर में और किसी एम्प्लॉय का एड्रेस को स्टोर करना चाहते हो द एट्रीब्यूट एड्रेस में ऑल्सो हैव द सब पार्ट अब देखिए एड्रेस जब होगा तो एड्रेस में उसके अंदर भी और भी कई सारे पार्ट्स होंगे जैसे स्ट्रीट नंबर सिटी स्टेट पिन कोड है ना तो हेंस टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द इम्प्लॉय वी नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द इम्प्लॉय इंटू ए सेपरेट स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट द स्ट्रक्चर एड्रेस इं टू द स्ट्रक्चर एम्प्लॉय तो जैसे आप एम्प्लॉई आई एक होगा एम्प्लॉई नेम एक होगा बट एड्रेस अगर जब आता, आता है तो एड्रेस में तो चार पाँच अलग अलग फील्ड होंगे ना तो उस कंडीशन में फिर हम लोगों को एक अलग से स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसमें सिर्फ एड्रेस स्टोर करेंगे तो यहाँ उसी के एग्जांपल के थ्रू देखते हैं देखिए एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गया यहाँ पर देखिए एड्रेस सबसे पहले देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया एड्रेस हमने स्ट्रक्चर बनाया तो एड्रेस में हम लोगों ने सिटी पिन फोन ये तीन अलग अलग डेटा टाइप हम लोगों ने ले लिया ठीक है सिटी में हम लोगों ने बी ट्वेंटी ले लिया साइज क्योंकि उसका स्पेस ट्वेंटी लेगा पिन इंटीजर लेगा फ़ोन नंबर जो है फोर्टीन ले लिया हम लोग एक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया एड्रेस अब नीचे आइए मेन जो स्ट्रक्चर बन रहा है स्ट्रक्चर एम्प्लॉय अब देखिए एम्प्लॉय में एक फिर कैर नेम अलग से ले लिया चूंकि एम्प्लॉय का नेम होगा नेम सिंगल होगा नीचे गौर कीजिए स्ट्रक्ट अब देखिए एक स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के भीतर एक स्ट्रक्ट बन रहा है जो कि एड्रेस के अंदर ऐड तो एड्रेस के अंदर ऐड मतलब एड्रेस तो आपका ऊपर वाला देखिए स्ट्रक्ट बना है और अलग से ऐड मतलब ये एड्रेस के भीतर ऐड बन रहा है ठीक है अब नीचे आ जाए मेन फंक्शन जो आप आ जाएगा जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो स्ट्रक्ट इम्प्लॉई ई एम पी मतलब चूंकि लास्ट में जो स्ट्रक्ट जो मेन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है वो क्या है इम्प्लॉयी नाम का तो देखिए वहाँ पर हम लोगों ने इम्प्लॉ और उसका वेरिएबल हम लोगों ने क्या लिया ई एम पी ठीक है अब प्रिंट एफ इंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आउटपुट में देखिए चलो इंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन शो करेगा अब स्कैन एफ में हम लोगों ने देखिए चार अलग अलग दिया दो चार फॉर्मेट पहले दो परसेंटेज परसेंटेज ऐसे मतलब ये दोनों स्ट्रिंग होगा डी होगा डिजिट और फिर लास्ट में स्ट्रिंग तो ई एम पी डॉट नेम ठीक है तो ई एम पी के अंदर नेम डिस्प्ले करेगा फिर ई एम पी डॉट ऐट डॉट सी टी मतलब ई एम पी के अंदर एड मतलब ऐड मतलब जो एड्रेस में स्टोर किया था और उसके अंदर में सी टी एंड ई एम पी डॉट ऐट डॉट पिन डॉट का मतलब उसके भीतर कंटेंस चलते जाएगा फिर ई एम पी के अंदर में एड उसके अंदर पिन नंबर फिर ई एम पी डॉट ऐट डॉट फोन तो देखिए अलग अलग हम लोगों ने नेम सिटी पिन और फ़ोन को डिस्प्ले यहाँ पर इनपुट कर लिया फिर प्रिंट ऊपर आप जाओ तब देखिए अलग अलग हम लोग लिया अरुण दिल्ली वन वन ज़ीरो जीरो जीरो वन जो भी वन से लेकर नाइन जीरो तक ये चार हम लोगों ने डेटा इनपुट कर लिया फिर क्या डिस्प्ले करेगा प्रिंटिंग द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन दिखेगा अब जो हम लोगों ने वहाँ पर इनपुट किया था सबसे पहले सिटी को डिस्प्ले किया सॉरी पहले नेम डिस्प्ले किया ठीक है प्रिंट प्रिंटअप में आप देख लो नेम दिख रहा है फिर सिटी डिस्प्ले किया पिन कोड डिस्प्ले किया फ़ोन नंबर डिस्प्ले किया कहाँ से वैल्यू पिकअप किया ई एम पी डॉट नेम से नेम को दिखाया ई एम पी डॉट आई डॉट सी टी सी टी सी लिया फिर ई एम पी डॉट आई डॉट पिन वहाँ से उठाया फिर ई एम पी डॉट आई डॉट फ़ोन फ़ोन नंबर लिया इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर को यूज करते हुए और यहाँ हम लोगों ने एक प्रोग्राम को देखा ठीक है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन अब ये दोनों एक साथ कैसे हम लोग यूज़ करेंगे सी अलाउज़ प्रोग्रामर्स टू पास ए सिंगल और इंटायर स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन टू और फ्राम ए फंक्शन तो सी में प्रोग्रामर सिंगल या और भी कई सारे स्ट्रक्चर का इन्फॉर्मेशन हम लोग फंक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर uh, कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड एज ए फंक्शन आर्गूमेंट स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन में फंक्शन आर्गमेंट को कैसे पास करेंगे वो हम लोग यहाँ देखेंगे उसको पास हम लोग कर सकते हैं द स्ट्रक्चर वेरिएबल मे बी पास्ड एज ए वैल्यू और रेफरेंस और स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे पास कर सकते हैं या तो वैल्यू के थ्रू या रेफरेंस के थ्रू जिसको एड्रेस बोलते हैं द फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू बाई यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट और जो हम फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू के थ्रू हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट को डिस्प्ले करेंगे एक एक प्रोग्राम देख लेते हैं क्लियर समझ में आपको आ जाएगा सबसे पहले हेडर फाइल ले लेते हैं स्टेडीआई डॉट एच आप देखिए नीचे फंक्शन डिक्लेयर सबसे पहले करते हैं तो ऐड नाम का एक फंक्शन लिया हम लोगों ने और आर्गूमेंट में क्या डाला दो इंट इंट ठीक है यहाँ हम लोगों ने कोई वैल्यू पास नहीं किया सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और आर्ग्यूमेंट डाला दो बार इंटीजर अब जाइए मेन फंक्शन में स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रक्चर का नाम क्या डाला हमने एडिशन फिर उसमें तीन वेरिएबल अलग अलग ले लिया ए बी सी तीनों डेटा टाइप इंटीजर है अब नीचे एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रक्चर का क्या लिया हम लोगों ने सम ठीक है यहाँ स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम लोगों ने सम ले लिए अब नीचे देखिए सबसे पहले डिस्प्ले करेगा जब रन कराओगे आप, तो आप तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए तो देखिए आउटपुट में देखते चलो इंटर द वैल्यू ऑफ ए स्कैन एफ करेंगे अब गौर कीजिए एंड सम डॉट ए मतलब सम वेरिएबल में हम ए को ए में वैल्यू इनपुट कर दिए फिर इंटर द वैल्यू ऑफ बी बी में फिर नीचे देखिए सम डॉट बी बी का वैल्यू डिस्प्ले किया अब नीचे देखिए सम डॉट सी चूंकि दोनों फंक्शन ऐड जो हम लोगों ने फंक्शन ऊपर में डिक्लेयर किया था उसको यहाँ कॉल कर लिए देखिए हम अलग से मैंने कमेंट भी लिखा पासिंग ए स्ट्रक्चर मेंबर एज आर्गूमेंट टू फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर मेंबर जो हम लोगों ने लिया उसको फंक्शन में इसको पास कराया और यहाँ पर हमने कॉल किया ऐड को सम डॉट ए सम डॉट बी दोनों सम को ऐड करके कहाँ स्टोर करेंगे सम डॉट सी में फिर प्रिंट अप द सम ऑफ टू वैल्यूज़ आर डिस्प्ले कर देगा सम ऑफ टू वैल्यूज आर और चूंकि सम डॉट सी में स्टोर ऑब्वियसली जो भी दोनों वैल्यू में हम लोग लिए रहेंगे तो हम लोगों ने ए में टेन लिया बी में ट्वेंटी तो आउटपुट सी में स्टोर करके थर्टीन शो कर दिया रिटर्न जीरो चूंकि यहाँ पर तो बस जो भी वैल्यू यहाँ पर उसमें सी में था वो इसको स्टोर करके दिखा दिया अब देखिए फंक्शन डेफिनेशन अब चूंकि फंक्शन जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था तो उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना तभी तो उसको ऐड कर पाएगा तो इंट ऐड और देखिए आर्गूमेंट में हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इंट एक्स इंट वाई दो लोकल वेरिएबल उसको बोलते हैं हम लोग इस एड फंक्शन डिफिनीशन के लिए हम लोग यूज करेंगे फिर इंट समवन ये भी लोकल वेरिएबल होगा समन चूँकि एक्स और वाई को जो हम लोग इनपुट करेंगे वो कहाँ स्टोर करेगा समवन में और रिटर्न समवन मतलब समवन में जो भी वैल्यू आउटपुट होगा वो रिटर्न के थ्रू स्टोर करके दिखा देगा ठीक है तो इस तरह से यहाँ डिफिनीशन किया तो देखिए स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हम लोगों ने यहाँ यूज किया तो स्ट्रक्चर में एडिशन लिया था हम लोगों ने और फंक्शन में क्या लिया था हम लोगों ने ऐड तो दोनों को एक साथ हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको यूनियन थोड़ा ये देखिए डिफरेंट है स्ट्रक्चर से बट उसी से मिलता जुलता है इसलिए देखिए इसी चैप्टर में आपको उसमें हमने पढ़ाया आपका सिलेबस में था भी इसी चैप्टर में तो देखिए यूनियंस यूनियन इज ए स्पेशल टाइप अवेलेबल इन सी दैट अलाउज़ टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन जब एक ही सेम मेमोरी लोकेशन में अगर आप अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करना चाहते हो तो ये एक स्पेशल डेटा टाइप जो है जिसको बोलते हैं यूनियन ठीक है इसमें हम लोग कई सारे मेंबर यूज कर सकते हैं बट ओनली वन मेंबर काउ कंटेन ए वैल्यू एट एनी गिवन टाइम मतलब किसी एक मेंबर जो है में एक वैल्यू स्टोर करेंगे हम लोग यूनियन प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पज मतलब लोकेशन एक ही होगा बट अलग अलग पर्पज से हम लोग उसको यूज करेंगे कैसे देखिए डिफाइन करेंगे जैसे हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे तो वैसे ही इसको भी डिफाइन करेंगे ठीक है द यूनियन स्टेटमेंट डिफाइंस ए न्यू डेटा टाइप विद मोर देन वन मेंबर ऑफ आर प्रोग्राम नीचे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू तीन हमने मेंबर लिया आई एफ एन एस टी आर तो यूनियन जैसे स्ट्रक्ट यूज करते थे वैसे यूनियन यूज करेंगे यहाँ यूनियन का नाम डेटा होगा ठीक है लिया हमने तीन अलग अलग देखिए इन टाइप फ्लोटेफ कैरेक्टर एस टी आर स्ट्रिंग हो ले लिया हमने और इसका डेटा यूनियन का जो डेटा का जो वेरिएबल क्या लिया हमने वो भी डेटा लेकिन स्मॉल लेटर में लिया ठीक है नाउ ए वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप कैन स्टोर एन इंटीजर अब देखिए डेटा टाइप जो यहाँ पर हमने लिया यहाँ पर इसमें इंडीजर भी स्टोर करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर करेगा और स्ट्रिंग भी यूज करेगा इट मीन्स ए सिंगल वेरिएबल और सेम मेमोरी लोकेशन यहाँ पर क्या हो रहा है लोकेशन सेम होगा कैन बी यूज टू स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा और एक ही लोकेशन में एक ही वेरिएबल में अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है क्लियर है वी कैन यूज एनी बिल्ट इन और यूजर डिफेंट डेटा टाइप इनसाइड साइड यूनियन बेस्ड एन आवर रिक्वायरमेंट तो अगर आप खुद से डेटा टाइप क्रिएट करना चाहते हो और इस तरह से तो आप यूनियन के थ्रू अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ डेटा टाइप क्रिएट करके स्टोर कर सकते हो और लास्ट जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में बिट फील्ड्स ठीक है तो बिट फील्ड्स देख लें क्या है ए बिट फील्ड इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू एलोकेट मेमोरी टू स्ट्रक्चर एंड यूनियंस जो अभी हम लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा एक्चुअली उसको स्ट्रक्चर यूनियन को मेमोरी में एलोकेट करने के लिए प्रोग्रामर को अलाउ करता है और इन बीट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज कंप्यूटर मेमोरी इन एफिशिएंट मैनर चूंकि इसके थ्रू क्या होगा कि डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ये डेटा स्टोर करेगा मेमोरी में तो पूरे कंप्यूटर मेमोरी और उसको सही तरीके से इसको यूटिलाइज कर पाए हम लोग तो ये हम लोग उसको हम लोग बीट फील्ड बोलते हैं सिंस स्ट्रक्चर एंड यूनियंस आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी चूंकि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों ही डेटा टाइप हम लोग क्रिएट करने के लिए सी में ये फैसिलिटी हम लोग को मिलता है द यूजर एज एन आइडिया ऑफ हाउ मच मेमोरी विल दे दाई तो यूजर को इसके थ्रू इस बीट फील्ड के थ्रू ये आइडिया मिलता है कि कितना मेमोरी हमने ऑकोपाई किया मतलब कितना मेमोरी हमने एलोकेट किया बिट फील्ड अलाउ द पैकिंग ऑफ डेटा इन स्ट्रक्चर बीट फील्ड क्या करता है स्ट्रक्चर में जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको एक पैक के रूप में अलाउ uh, करता है दिस इज स्पेशली यूजफुल वेन मेमोरी और डेटा स्टोरेज इज एट ए प्रीमियम मतलब डेटा स्टोरेज जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ऑकोपाई जो कर रहे हैं मेमोरी में उसको एक्चुअली ये शो करता है इसमें देखिए दो एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है किस तरह से शो करेगा पैकिंग सेवरल ऑब्जेक्ट इनटू ए मशीन वर्ड जैसे वन बीट फ्लैग्स कैन बी कॉम्पैक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट को मशीन वर्ड के रूप में जैसे वन जीरो वन जीरो वन जीरो फ्लैग में शो करता है ना उस तरह से शो करेगा रीडिंग एक्सटर्नल फाइल फॉर्मेट अगर मान लिया आपका नॉन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है उसको रीड करेगा जैसे नाइन बीट इंटीजर एट बीट इंटीजर इस तरह से अलग अलग बीट का इंटीजर के रूप में शो करेगा क्योंकि आप जानते हैं कि वन बाइट में जीरो टू एट बीट हम लोग यूज़ करते हैं तो उस तरह से वो उस फॉर्मेट में उसको शो करेगा सी अलाउज अस टू डू दिस एन स्ट्रक्चर डेफिनेशन इसको देखिए कैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि बिट लेंथ जब भी वेरिएबल के बाद आप बिट लेंथ लिखोगे उस तरह से वहाँ पर आप इस तरह से शो कर सकता है। देखिए स्ट्रक्ट जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाए पैक्ड स्ट्रक्ट ठीक है तो ये इसको हम लोग यहाँ पर बीट फील्ड जानना चाह रहे हैं यहाँ पर अनसाइंड इंट एफ वन वन ये जो वन आप राइट साइड में देख रहे हैं एफ़ वन के बाद एफ़ टू के बाद एफ़ थ्री के बाद एफ़ फोर के बाद टाइप के बाद फोर फिर ए माई इंट के बाद नाइन ये सारे जितने भी हैं ये अलग अलग मेंबर हैं और नीचे देखिए चूँकि पैक्ड स्ट्रक्ट का एक वेरिएबल लिया पैक इसमें छः मेंबर लिया तो फोर जो है वन बीट फ्लैग जो एफ वन से लेके एफ फोर तक वो वन बीट फ्लैग स्टोर किया फिर फोर बिट टाइप एक अलग है वो फोर स्टोर किया नाइन बिट जो है नाइन बिट स्टोर किया इस तरह अलग अलग स्ट्रक्चर में कितना कितना मेमोरी स्टोर कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग उसको शो कर सकते हैं सी ऑटोमेटिकली पैक्स द एब बीट फील्ड एज कॉम्पैक्टली एज पॉसिबल इस तरह से सी में ऑटोमेटिकली जो भी बीट फील्ड हम लोग वहाँ पर ऑक्योपाई करते हैं उसको जो पॉसिबल होगा वो वहाँ पर स्टोर करेगा शो करेगा प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फिल्ड लेस देन और इक्वल टू द इंटीजियर वर्ड लेंथ ऑफ द कंप्यूटर और जो भी कंप्यूटर का आपका वर्ड लेंथ जो है वो सारा मैक्मम लेंथ वो वहाँ पर प्रोवाइड करेगा इफ दिस इज नॉट द केस देन सम्पाइलर्स में अलाउ मेमोरी ओवरलैप फॉर द फील्ड वाइल अदर वुड स्टोर द नेक्स्ट फील्ड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड अगर मान ली इस केस में कभी कभी कंपाइलर फिर क्या करता है ओवरलैप मतलब फील्ड को ओवरलैप मतलब एक पर एक फिर अलग एक वर्ड पर एक दूसरा वर्ड इस तरह से वहाँ पर अलाउ करता है अगर मान लीजिए अगर इस तरह का वर्ड लेंथ का स्टोर और ना नहीं कर रहा तो तो ये एक सिंपल बीट फील्ड हम लोगों ने देखा तो ये जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ जो हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ा यूनियन के बारे में जाना और बीट फील्ड के बारे में जाना ठीक है तो इसको आप पढ़ें ये समझें जो भी फिर डाउट होगा फिर हम लोग आगे इसको क्लियर करेंगे ओके थैंक यू